चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकेट स्टडी में। मैं कोमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहां पर इंडियन आर्मी कलर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमने यहां पर बहुत ही अच्छी ट्रिकों के साथ यहां पर ये क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 30% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अर्थात यदि व्यापारी को 30% का लाभ कमाना दोस्तों, तो वो वहाँ पर उस वस्तु को कितने में बेचे, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, जब भी आपका ये क्वेश्चन आपका आता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होती है, वो आप यहाँ पर मान लेते हैं वो हमारी 100% है। अब आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर 30% की हानि पर बेचा तो 700 रुपये में दिया, अर्थात आपका यहाँ पर 70% बराबर आपका है 700 रुपये, क्योंकि 30% हानि जब करेंगे आप यहाँ पर घटा देंगे 30% को, तो ये आपका यहाँ पर 70% बचेगा जो आपका यहाँ पर 700 रुपये में बेची गई है। अब आपको बताना क्या है, आपको 30% लाभ पर बताना है, अर्थात प्लस 30% आप पर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर 130 निकाल लेंगे। 130% बराबर कितना होगा वो आप निकालेंगे, वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर 70% बराबर आपका 700 है, तो दोस्तों 130% बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 700 गुणा 130 और बट्टे आपका 70 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, कार्ड के आपका यहाँ पर आता है 101300, अर्थात यहाँ पर 1300 रुपये आ गया आपका। तो इतने रुपये आपका विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी यहाँ पर 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप क्या कर लेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये 100% होता है, और बाद में आप इनको इस तरह निकाल लेते हैं इजीली। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है। 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों देखिए, इन क्वेश्चनों में आप क्या करते हैं, आप एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया मान लेंगे, तो 30 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका यहाँ पर 30 रुपये हो जाएगा। 30 रुपये के आगे आपका दोस्तों, ये आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गई दोस्तों। दोस्तों पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लाभ या हानि निकालने के लिए पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको देखिए लाभ कितना होगा, लाभ 3 वस्तुओं के बराबर, अगर एक वस्तु यहाँ पर 1 रुपये की है तो 3 वस्तुएँ 3 रुपये की, तो दोस्तों प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपये। अब देखिए आपको प्रॉफिट भी पता लग गया और सेलिंग प्राइस भी पता लग गई, तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ पर करेंगे तो ये घटा के कितना आएगा, ये दोस्तों आपका यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर 27 रुपये क्रय मूल्य है, अर्थात कॉस्ट प्राइस है। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, तो 3 बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100, अर्थात दोस्तों ये आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 100 बट्टे 9, और आप कह सकते हैं यहाँ पर 11 से 1/9, इतना प्रतिशत आपका निकल के आ गया। और ऑप्शन नंबर सी वाला आपका दिखता है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए नल और टैंकी वाला है। 2 नल A और B एक टैंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ खोलने पर कितने घंटे में भरेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही बार पूछा जाने वाला, हमेशा आपको यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, AB बट्टे A+B। अब देखिए AB की जगह आप रख देंगे 2 गुणा 3 और बट्टे 2 × 3 कर देंगे, तो ये यहाँ पर निकल के आता आपका 6 बट्टे 5, इतने घंटे आपके आगे। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1 सही 1/5, तो इतने घंटे आपके यहाँ पर निकल के आगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, बहुत ही बार पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन आपका। जब भी आपका अंडर रूट के अंदर दोस्तों लगातार यहाँ पर रूट रूट होंगे और गुणा गुणा किया होगा और अनंत तक जाएगा, ये श्रृंखला आपकी अनंत तक जाएगी, तो दोस्तों इसका मान वही हो जाएगा जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका है। मान लीजिए आपका यहाँ पर ए यहाँ पर अनंत तक जाता है दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान ए हो जाएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो गया। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर तो गुणा था लेकिन यहाँ पर यदि दोस्तों जोड़ या घटाना हो तब आप क्या करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर आपका धन है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका अंदर नंबर होगा, यहाँ पर 6 है आपका, तो उसके आपको इस तरह के फैक्टर करने पड़ते हैं जो दोस्तों n इंटू n+1 के फॉर्म में हो।
अर्थात 6 के आपके इस तरह फैक्टर करने हैं जो आपकी n और n प्लस 1 के फॉर्म हो। आप दोस्तों देखते हैं 2 और 3 है और 2 गुणा 3 आपके यहाँ पर हैं बिल्कुल n और n प्लस 1 के फॉर्म में। एक 2 है तो अगला 3 है दोस्तों, लगातार वाले होने चाहिए। मान लीजिए आपका एक 3 है तो अगला 4 होना चाहिए। तो इस तरह के यदि फैक्टर आप कर पाएँ तो तब आप यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 3, जो भी बड़ा नंबर होगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पर धन होगा दोस्तों, जब धन होगा तब आप बड़ा वाला नंबर देखेंगे। यदि यहाँ पर ऋण होता तो दोस्तों यही मान आपका यहाँ पर 2 हो जाता, क्योंकि जब आप धन लेंगे तो बड़ा नंबर लेंगे और ऋण होगा तो छोटा नंबर। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर माइनस लेके आता है तो आप यहाँ पर 2 कर देंगे आंसर को, 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तब। तो फिलहाल हमारा दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एलजेब्रिक क्वेश्चन है। यदि एक्स प्लस 1/x = 3 है तो एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हमेशा, हमने पहले यहाँ पर ट्रिकें बताई थी पिछले वीडियो में इनकी निकालने की। देखिए जब भी आपको यहाँ पर एक्स प्लस 1/x = a दिया होता है तो दोस्तों आपका x की घात 4 + 1/x की घात 4 बराबर क्या हो जाता है, a की घात 4 और -4a² और +2। तो ये आपको यहाँ पर करना पड़ता है। ये दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, यदि आपको ये याद होगा तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप यहाँ पर a की जगह रख दीजिए, मान आपका 3 है तो 3 की घात 4 निकालेंगे पहले और -4 × 3² और +2। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, 3 की घात 4 कितना आएगा, 81 आएगा और -3 की अनौचक यहाँ पर 36 आएगा और +2। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आता है 45 + 2 अर्थात 47 यहाँ पर आपका आ गया। तो 47 आपका यहाँ पर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर ये ट्रिक याद रखनी है और आप इजीली निकाल लेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको लगेगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन 1% को भिन्न में बदलने का है, जो एक क्वेश्चन कभी कभार दोस्तों पूछ लिया जाता है और ये हमेशा आपका एक ही तरीका होता करने का। दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, 9 × 1/100 कर देते हैं, तो यही आपकी भिन्न की फॉर्म आ जाती है। देखिए 9/100 आपका यहाँ पर भिन्न की फॉर्म आ गया। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला देखता है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कार्य और समय वाला है, जो एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है दोस्तों। यदि 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों देखिए जब भी ये क्वेश्चन आपको दिया रहता है ये आपका फॉर्मूला होता है MD और MD, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 2 2, अर्थात पहली बार में आदमी और इंटू पहली बार में दिन, अगली बार में आदमी और इंटू दूसरी बार में दिन। तो देखिए क्या आता है आपका दोस्तों यहाँ पर, पहली बार में आदमी 2 × दिन = 10, अगली बार में आदमी 5 और दिन लगे आपको बताना है कितने। तो दोस्तों इजीली आपका यहाँ पर आ गया, देखिए पक्षांतर आप करेंगे तो D2 = कितना आ जाएगा, 10 × 20, तो 20/5 आपका यहाँ पर 4 आ गया। तो दोस्तों 4 दिन यहाँ पर इनको कार्य को पूरा करने में लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 8 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनमें महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रिकों का हमने इस्तेमाल किया था, जो शॉर्टकट ट्रिकें थी। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों में जो भी ट्रिक हमने इस्तेमाल की इनको आप तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे और आने पर दोस्तों उम्मीद है इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे और उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे, और भी हम इस तरह के क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। दोस्तों हमारे साथ ये बने रहेगा। ओके, थैंक यू।